अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई एम गुल फ्रॉम सैलून बाय गुल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, आपके साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो कटिंग्स हैं वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज भी हम करेंगे, जैसे कि आपको पता है, बहुत सी डिफरेंट कटिंग्स और बिल्कुल ही सिंपल मेथड के साथ मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो कटिंग है वो भी बिल्कुल सिंपल टेक्निक सिंपल मेथड के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। आप इजीली जो है ये वाली कटिंग कर सकते हैं और आपके जो हेयर्स हैं उनकी लेंथ भी शॉर्ट नहीं होगी। तो ये है फ्रेंड्स हमारा जो है हाफ कट, ठीक है। इस तरह से अगर आप अपनी लेंथ को शॉर्ट नहीं करना चाहते, आपकी विश है कि आपकी लेंथ मेंटेन रहे, तो आप इस तरह से जो है कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने ईयर टू ईयर जो पार्टीशन है वो कर ली है। तो फ्रेंड्स, आज जो है आपके साथ जो शेयर करनी है कटिंग वो हैं बैंग्स। तो फ्रेंड्स, बैंग्स आपने किस तरह से इजी वाले मेथड में करनी है आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी। इस तरह से फ्रेंड्स आपने वीक एंगल में आपने फ्रंट वाले जो आपकी हेयर्स हैं वो आपने इस तरह से जो है उनको सेपरेट करना है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये देखें फ्रेंड्स, वी आपने जो है अपने जो फ्रंट के हेयर्स जिनके आप बैंग्स कट करना चाह रहे हैं, आपने उसका जो है वी के एंगल में जो है उसको अपने बालों को सेपरेट कर लेना है। सबसे पहले जो है हम करेंगे अपने बैंग्स, उसके बाद हम बैक की कटिंग करेंगे। और बैक जो थी इनकी, बैक कट में इनको जो था अपनी जो लेंथ थी ना उसको भी मेंटेन रखना था। तो फ्रेंड्स, किस तरह से अगर आपकी क्लाइंट की विश है कि उसको अपनी लेंथ भी लूज नहीं करनी और अपनी कटिंग भी अच्छी सी स्टेप्स में और इस तरह से फीदर लुक में चाहिए, मिक्स ब्लेंड कटिंग, तो ये इस तरह से इतना ईजी वाला मेथड है फ्रेंड। तो अभी हम करते हैं जनाब अपने बैंग्स, ठीक है। टीनएजेस बच्चियां जैसे कि बैंग्स जो हैं वो लाइक करती हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बैंग्स का जो मेथड है ना वो मैं इस तरह से बताऊंगी कि अगर आप इसको साइड पफिंग करेंगे तो भी आपके सूट करेंगे, अगर इसको आप बैंग्स की लुक देंगे तो भी आपको सूट करेंगे, अगर आप फ्रंट मांग में दोनों साइड्स पर करते हैं तो भी। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, आपने फ्रंट के जो आपके हेयर्स हैं उनको आपने वी की लुक में लेके जाना है और इस तरह से आपने स्ट्रेट अपने बालों को लेके जाने ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रेंड्स, ठीक है। फेस जो है वो आपका बिल्कुल इस तरह से एक्यूरेट बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो आपने इस तरह से फिर उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, इस तरह कॉम के साथ आप इसको कट कर दें, ठीक है। फिर थोड़ा सा जो है ना आपने हाफ इंचज दोबारा से फिर इसका जो एंगल है थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा अपने हैंड्स को अपने ऊपर लेके जाना है और इस तरह से आप कट करेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपके जो हैं बैंग्स कट चुके हैं। अगर आपने एक ही टाइम में जस्ट सिंगल कट में आप अपने बालों को बहुत शॉर्ट कर देते हैं तो आपके पास ऑप्शन में ये नहीं होता कि आप मज़ीद उनको जो है शॉर्ट कर सके। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने लेंथ जो है वो थोड़ी आपने जो है वो लॉन्ग रखने हैं, जो आपकी रिक्वायर्ड है उससे अपने 1 इंचेस जो हैं लेंथ वो ज़्यादा रखनी है, ताकि अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा लॉन्ग है तो आप नेक्स्ट फिर से उसको जो है हाफ इंचज मज़ीद कट कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये दूसरी साइड से भी बिल्कुल सेम मेथड सेम टेक्निक के साथ इस तरह से हम अपने हेयर्स का जो है कट वो करेंगे। तो अभी फ्रेंड्स ये देखें हमारा जो बैंग्स कट है वो हो चुका है, बट अभी हमें जो है इनके थोड़े शॉर्ट चाहिए, इनके आईब्रोज से थोड़े से नीचे। फ्रेंड्स, आईब्रोज से नीचे इसलिए कट करेंगे बिकॉज़ जब हम कोई भी कटिंग करते हैं तो वो कटिंग जब तक आपके हेयर्स जो हैं वो वेट होते हैं ना, तो उनकी लेंथ जो होती है आपने वेट में जो है वो नहीं देखनी। आपने ये देखना है कि अगर हम इनको ब्लो ड्राई करते हैं या हम इनको स्ट्रेटनिंग करते हैं, थोड़े टर्न करते हैं, तो जहाँ पे हमें वो वाली लेंथ चाहिए हम उनसे जो है 1 इंचज जो लेंथ है ना उसको हम ज़्यादा रखेंगे। तो ड्राई होने के बाद थोड़े बाल जो होते हैं आपके फोल्ड हो जाते हैं। अगर आप उनको ऑलरेडी बहुत शॉर्ट कर देंगे ना, तो जब वो ड्राई होंगे तो मज़ीद शॉर्ट होंगे और बैंग्स जो कट है ये आईब्रो से अगर नीचे हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम करेंगे बैक पे कटिंग। तो फ्रेंड्स, बैक वाली जो कटिंग है, अब ये वाली जो कटिंग है फ्रेंड्स, मैं आपके साथ नेक्स्ट अपनी इंशाल्लाह जो वीडियो होगी ना उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
करूँगी कि अगर आप अपनी ये वाली जो कटिंग है वन कट में करना चाहें तो वन कट में किस तरह से आप कर सकते हैं, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि मैं इस तरह से डिटेल जो कटिंग है वो इसलिए बताती हूँ कि आपके लिए जो है, जो बिगनर्स हैं मेरी फ्रेंड्स जिन्होंने अभी न्यूली सैलॉन्स ओपन किए हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। वन कट में भी फ्रेंड्स ये वाली कटिंग जो है हम कर सकते हैं। ये वाली कटिंग जस्ट ओनली 4 to 5 minutes में जो है ना आप डन कर सकते हैं, बट जो है आप लोगों के साथ डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करने का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ ऐसी ना लगे कि कोई भी चीज़ आपसे छुपा ली गई है या फिर कोई चीज़ आपसे जो है हाइड की गई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है इनकी हाफ कट हो चुका है। अभी फ्रेंड्स इनके बैक के जो लेयर्स हैं वो हम करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो वन कट में भी यही वाला लुक जो है आ सकता है, बट जो है मैं इसलिए डिटेल वीडियो बनाती हूँ कि मेरी जितनी भी बिगनर्स मेरी व्यूवर्स हैं उनको ये ना लगे कि जैसे कोई चीज़ छुपा ली गई है, या उनको बहुत ज़्यादा एकदम से सारे वाले बाल जो हैं उनको होल्ड करना थोड़ा सा टफ होता है, तो बट बहुत ईजी है फ्रेंड्स। मैं आपके साथ इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल नेक्स्ट अपनी जो वीडियो शेयर करूँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी कि जस्ट वन कट में भी ये वाला कट आप कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने कुछ और बहुत ईजी ईजी वाली जो कटिंग्स हैं उनके मेथड जो हैं उनका सारा जो ओवरऑल है वो शेक कटिंग है फ्रेंड्स। उसके अलावा जो है अभी मैंने आपके साथ रिसेंटली अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में वुल्फ कट जो है आपके साथ शेयर किया, तो फ्रेंड्स अभी जो है बैंग्स, काफ़ी ज़्यादा मेरी जो फ्रेंड्स थी ब्यूटिशियंस मेरी स्टूडेंट्स थी जो बिगनर्स थी तो वो बोल रही थी आप ही बैंग्स जो है वो होते क्या हैं, तो आज मैंने सोचा कि मैंने अपनी इस फ्रेंड के जो थे बैंग्स में कट करना था तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करें। अभी फ्रेंड्स ये क्राउन ईयर टू ईयर जो हमने लास्ट फर्स्ट टाइम पार्टीशन की थी, अभी जो है हम बैक के अपने जो हेयर्स हैं वो इस तरह से आपने बिल्कुल क्राउन पर उनको सीधा वाला ले के आना है। उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी रबड़ बैंड कोई पोनी बैंड डालें और उसके बाद जो आप जितनी बैक की लेंथ आपने शॉर्ट करनी है आपको अगर 1 inches 2 inches 3 inches 1.5 inches जितनी भी इंचेस आपको शॉर्ट चाहिए ना आपने पहले वो अपनी गाइडलाइन ले लेनी है। उसके बाद इस तरह से आपने अपना जो रबड़ बैंड है पोनी बैंड है वो आपने फ्रेंड्स इसमें छोटी सी जो एक टेक्निक है वो ये है कि आपका जो एरिया है ना वो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप अपने हेयर्स का ये पोनी बैंड जो है थोड़ा बैक पे पीछे लगा देते हैं या इसकी हाइट जो है वो ठीक नहीं होगी तो आपका जो हेयर कट होगा ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, और आप बोलेंगे जी हमें तो वीडियो में बताया गया था ऐसे ही और हमसे कटिंग जो है वो ठीक नहीं हुई। अभी फ्रेंड्स मैंने बैक पे जो इनकी कट जितना इन्होंने बोला था कि मुझे इतनी लेंथ शॉर्ट चाहिए वो नीचे से इनका जो है वो गाइडलाइन अभी जो है फ्रंट से जो हमने कट की है उसके साथ ही इनकी ब्लेंडेड सी कटिंग करेंगे, तो इस तरह से जस्ट जो है वो डबल कट में आपने सिंगल कट पहले किया अपने फ्रंट, अभी उसके बाद जो है फ्रेंड्स नोचिंग। फ्रेंड्स नोचिंग जो है वो बहुत मस्ट है बिकॉज आजकल जो है इस तरह से फीदर सी लुक जो है वो ट्रेंड में है वो, तो इसलिए जो है नोचिंग करने से क्या होता है कि बिल्कुल एक फीदर सी एक बड़ी ज़बरदस्त सी स्टेप्स वाली जो लुक भी आ जाती है फीदर भी आ जाते हैं उसमें, उसमें फिर आपके जो लेयर्स हैं ना वो भी बहुत खूबसूरत जैसे रेज़र कट है। फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट अपनी किसी वीडियो में इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल आपके साथ शेयर करूँगी लेयर्स कट विद रेज़र, ठीक है, रेज़र के साथ जो है किस तरह से इजीली जो है आप इस तरह से अपनी लेयर्स। तो फ्रेंड्स अभी जो है इनका कट हो चुका है। इनके हेयर कट के बाद हम क्या करेंगे इनके सारे बालों को बैक पे लेके जाके तो हम इनका ट्रिम करेंगे। अभी फ्रेंड्स जो है हमने अभी जैसे कि एकदम से इतनी ज़्यादा शॉर्ट कट भी किया बट जो है आप देख लें कि इनकी जो लेंथ है वो मेनटेन है इनकी विदाउट लूजिंग लेंथ हमारे जो लेयर्स हैं बड़े अच्छे से फीदर्स वाली लुक भी आ गई है इनकी और बड़े अच्छी वॉल्यूम भी इनके बालों का है बाउंसी भी लग रहे हैं बाल, तो इस तरह से टीन एजेस जो बच्चियां होती हैं उनको इस तरह से अच्छा लगता है। फ्रेंड्स इस तरह की जो कटिंग्स होती हैं ना उसमें क्या है कि आप अगर
पोनी बैंड भी डालेंगे, हाई टेल पोनी करेंगे या फिर छोटा सा कैचर भी लगाएंगे ना, तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो अभी फ्रेंड्स सारे जो हेयर्स हैं इनके, ये मैंने बैक पे किए हैं। इस तरह से आप इनको अच्छे से वेट कर लें। वेट करने के बाद आप एक दफ़ा से फिर से इनको, अगर आपको बहुत डीप लेयर्स वाली लुक चाहिए, आपको बाल अगर बहुत थिन हैं, तो आप ऐसे करें यू शेप में जो है ना इनको ट्रिम करें। और अगर आपके बाल हेल्दी हैं तो आप इनको वी शेप में भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स यू कट जो है उसमें मैंने ऑलरेडी आपके साथ मेथड जो था वो शेयर किया है मेरी प्रीवियस वीडियो में, जाके आप जो है वो देख सकते हैं। उसमें यू कट जो है फ्रेंड्स, समटाइम ऐसे होता है कि हमारी जो होती है एक साइड जो होती है वो थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, एक थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, तो उसमें जो है बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल परफेक्ट जो है आपका यू करने के लिए जो है वो मैंने मेथड आप लोग के साथ शेयर किया है। उसमें क्या होगा कि आपकी यू भी बड़ी एक्यूरेट, बड़ी ज़बरदस्ती आएगी, और उसके अलावा क्या होगा कि आपको जो है बड़ा इजीली जो है ना इक्वली आप यू शेप। अभी फ्रेंड्स मैंने बहुत ज़्यादा डीप इनके जो है वो नहीं किया, बिकॉज इनको जो था ना बहुत शॉर्ट जो था लेंथ इनको नहीं चाहिए थी। तो फ्रेंड्स बैंग्स जो हमने कट किए हैं अभी, इनका जो था फेस शो की परमिशन नहीं थी, सो मैंने इनको इस तरह से मास्क वियर करवाया था। बट अगर इनका मास्क नहीं होता तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट टाइम जो कुछ मेरी ऐसी कुछ फ्रेंड्स जिनको अलाउ होगा, मैं इंशाल्लाह बैंग्स नेक्स्ट टाइम फिर करूँगी। अभी जो है इनकी कटिंग माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, इनके हेयर्स बहुत बाउंसी विदाउट फ्रेंड्स आपके साथ विदाउट ब्लो ड्राई, विदाउट स्ट्रेटनिंग, विदाउट सेटिंग जो है ये मैंने कटिंग जो है आपके साथ शेयर की है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा जो है इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपके साथ शैग कट करूंगी। तो फ्रेंड्स जितनी भी ये वाली कटिंग है इतनी ईजी हैं कि बिल्कुल भी इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली जो है ये वाली कटिंग जो हैं वो कर सकते हैं। आपने एक दो बार ट्राई करना है, उसके बाद आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको जो है ये वाला कट जो है वो कितना ईजी लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये वाली जो कटिंग है अभी जो है हमने बिकॉज सेंटर से ये वाली कट किया है, तो आप इसको अगर आप पे आपका फोरहेड बहुत ज़्यादा ब्रॉड है ना, तो आप इस तरह से इसको साइड मांग में जब करेंगे ना तो भी आप पे बहुत सूट करेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप फ्रंट के जो फ्लिक्स हैं वो उनको ओपन छोड़ के थोड़ा फंकी सा लुक देने के लिए बैक पे आप हाई टेल पोनी करेंगे, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा आप अगर इसको सेंटर मांग में करेंगे ना तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। आप इसको अपनी मर्ज़ी से अपनी विश के अकॉर्डिंग जो है इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अभी जो है मैंने अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी मैं जब कटिंग करती हूँ तो मैं उनको ऑलमोस्ट जो है उनको बताती हूँ कि आपने किस तरह से जो है आफ्टर कटिंग अपने बालों को जो है उनकी सेटिंग करनी है। अगर आपको साइड मांग अच्छी लगती है आप तो दोनों तरफ से चेंज करके अपनी कटिंग को इंजॉय किया करें, बिकॉज एक साइड पर करने से क्या होता है कि वहीं से हमारे जो हेयर्स हैं ना वो थोड़े स्लिम लगने लग जाते हैं, वहाँ से थोड़ा वॉल्यूम कम लगने लग जाता है। तो इस तरह आपने क्या करने इक्वली दोनों तरफ, अभी कभी आप साइड पे कर लें, अभी आप राइट कभी आप लेफ्ट, इस तरह से तो फिर आपके बाल जो है वो वॉल्यूम भी लगेगा और बाल जो आपके हैं वो बाउंसी भी लगेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारे फाइनल रिजल्ट्स हैं अभी जो मैंने कटिंग की है। इसमें जो है आपकी लेंथ भी मेनटेन है और आपके बड़े अच्छे से स्ट्रेप्स भी जो है इसमें विजिबल हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा जो था कैराटीन, कुछ मेरी फ्रेंड्स जो हैं उनको कैराटीन के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, जो बिगनर्स मेरी फ्रेंड्स हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने जो है स्पेशली अपनी फ्रेंड्स के लिए एक छोटी सी वीडियो सोची है जिसमें डिफरेंस कैराटीन में और कैराटीन रिबॉन्डिंग में जो डिफरेंस है ना वो हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ अलॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।